हाय दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है स्टॉक ट्रेनर के हिंदी यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त संदीप अहलावत। दोस्तों, कल की वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि 26200 के नीचे जाने पे ही बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना, तो आज हम तकरीबन पूरा दिन निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर ऊपर की तरफ पॉजिटिव साइड बने रहे, यानी कि हमारी जो कॉल थी वो एक्टिवेट नहीं हो पाई। हमें थोड़ा सा आरबीआई पॉलिसी के आने के टाइम पे वोलेटिलिटी देखने को मिली और कुछ सेकंड के लिए हम 26200 के नीचे तो गए लेकिन वहां पर सस्टेन नहीं कर पाए। दोस्तों, एक नेगेटिव न्यूज जो बैंक निफ्टी के अंदर दिखाई दी वो ये कि बिना कोई जानकारी हुए या बिना किसी एक्सपेक्टेशन के आरबीआई ने जिस प्रकार से रेट हाइक किया है, ये बाजार के लिए आगे आने वाले समय में थोड़ा सा वीक रह सकता है। तो दोस्तों, चलिए आगे के लिए देखते हैं कि बैंक निफ्टी टेक्निकल चार्ट पे कैसा दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके अंदर बेल बटन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन का जो टिक मार्क आता है उसे सिलेक्ट करें ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। दोस्तों, अगर वीकली चार्ट्स की बात की जाए तो वीकली चार्ट्स पर कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। बाजार की जो आज रेंज रही ट्रेडिंग की वो काफी छोटी रही, जो नीचे की तरफ तकरीबन 26150 और ऊपर की तरफ 26350 के आसपास की रही। फाइनल क्लोजिंग हमारी तकरीबन 26367 के आसपास की रही है। अगर वीकली आरएसआई की बात की जाए तो ये डाउनवर्ड फेसिंग करके तकरीबन 58 के आसपास चल रही है। दोस्तों, डेली चार्ट्स की बात की जाए तो डेली चार्ट्स पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाजार के अंदर थोड़े से पॉजिटिव संकेत बेशक से मिले हैं। कल हमने देखा था कि ये डोजी टाइप का पैटर्न हमें बनता हुआ दिखाई दिया था और आज एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं आरएसआई की बात की जाए तो डेली चार्ट पर आरएसआई का फेस अपवर्ड की तरफ है और वहीं पर अगर क्रॉसओवर की बात की जाए तो डेली चार्ट के ऊपर 50 दिन की मूविंग एवरेज 100 दिन की मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ क्रॉस करी, यानी कि थोड़े से पॉजिटिव संकेत हमें डेली चार्ट से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हावली चार्ट्स की बात की जाए तो हावली चार्ट्स पर भी कल भी हमें एक जिगजैग टाइप का फॉर्मेशन यानी कि वोलेटिलिटी देखने को मिली थी, आज सेम काइंड की सिचुएशन दिखाई दी। बाजार के अंदर कुछ टाइम के लिए हम ऊपर तो कुछ टाइम के लिए नीचे दिखाई दिए और आरबीआई की जब पॉलिसी आई तो हमें तकरीबन 200 पॉइंट का मूवमेंट कुछ ही मिनटों के अंदर ऊपर नीचे की तरफ देखने को मिला है। लेकिन फिलहाल के लिए बाजार के अंदर कोई बाइंग के सिग्नल नहीं मिल पा रहे कि बाजार यहाँ से एक लंबी तेजी के अंदर जाएगा। डेरिवेटिव डाटा की बात की जाए तो फ्यूचर्स के अंदर 125 पॉइंट के गेन निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में देखने को मिले हैं। वहीं ओपन इंटरेस्ट 2% के आसपास बढ़ा है, यानी कि आज की तेजी के अंदर ट्रेडर्स ने कुछ लॉन्ग पोजीशन बनाई है। दोस्तों, अगर पुट कॉल रेशियो की बात की जाए तो पुट कॉल रेशियो कल 0.5 के आसपास चल रहा था जो बढ़ के आज 0.65 के आसपास आ चुका है, यानी कि आज की जो ट्रेडिंग हुई है उसके अंदर पुट्स के अंदर ज्यादा राइटिंग हुई बजाय के कॉल्स की, यानी कि नीचे के जो स्पोर्ट हैं वो थोड़ा मजबूत होते हुए नजर जरूर आए हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने कल भी बताया था कि बाजार के अंदर हमें एक उछाल का एक वेट करना है ताकि हम बाजार को एक अच्छे खासे लेवल के आसपास और छोटे स्टॉप लॉस से शॉर्ट कर सके, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कल भी बाजार के अंदर थोड़ी बहुत तेजी होती है, यानी कि बाजार अगर आपको 26550 के आसपास मिलता है तो आप वहां से इसको 100 पॉइंट का SL लगा के शॉर्ट कीजिए। नीचे की तरफ टारगेट आपको दोबारा 26300 के आसपास के देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये था आज का एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हम ये लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में जो बेल का बटन है उसे ऑन करके ऑल नोटिफिकेशंस को सिलेक्ट कर ले ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। दोस्तों, मिलता हूं दोबारा एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुश रहिए, ट्रेडिंग करते रहिए, हैप्पी ट्रेडिंग।